तो केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 को हटाने का फैसला ले लिया है। इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में संकल्प पत्र पेश किया। इसके बाद पूरे देश भर में बीजेपी सरकार के इस फैसले को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। देहरादून में हमारे संवाददाता नासिर हुसैन ने अधिवक्ताओं से बातचीत की। देखिए क्या कहना था इस फैसले पर अधिवक्ताओं का। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने का एक ऐतिहासिक फैसला बीजेपी की केंद्र सरकार ने लिया है। राज्यसभा में इस बिल को रखा गया है, चर्चा भी चल रही है, विरोध भी हो रहा है। सारे देश की नजर इस बिल पर है और तमाम लोग चाहते थे, क्योंकि लोगों का अक्सर यही कहना था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटनी चाहिए, इसलिए तमाम लोगों की नजर इस खबर पर है। और तमाम लोग, आप देख सकते हैं, हम 12 स्टेशन देहरादून में, जहां पर जो अधिवक्ता हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं और क्या कुछ राय है लोगों की जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, जिस तरीके का फैसला लिया गया है धारा 370 को लेकर, किस तरीके से देखते हैं आप? बहुत अच्छा फैसला है। ये 30 साल पहले होना चाहिए था, जब कश्मीर से वहाँ के हिंदुओं को भगा दिया गया था, उस समय इतनी स्ट्रांग विल दिखानी चाहिए थी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, बहुत अच्छा फैसला। आप बताइए। बहुत ही बढ़िया फैसला है और ये शायद मोदी सरकार में ही दम था जो ये फैसला ले सकती थी। अब लोगों को जान लेना चाहिए, ये मोदी का भारत है, नेहरू का भारत नहीं है। यहाँ पर ऐसे कठोर कदम जो देश हित में उठाए जाएंगे, उठाए जाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में बांटने की बात की जा रही है केंद्र शासित प्रदेश, आप क्या मानते हैं, क्या सही फैसला है इसके? मेरे विचार से ये बहुत सही फैसला है। केंद्र में पहली बार इतनी मजबूत सरकार आई है इतने बहुमत के साथ। यदि अब भी भाजपा सरकार इतना मजबूत फैसला ना लेती तो संभवतः बहुत विलंब हो गया होता। आज पूरे देश में जश्न का माहौल है और अधिवक्ता समुदाय विशेष से हर्षित है और बड़ा प्रसन्न है। आप देख सकते हैं तमाम अधिवक्ता हैं यहाँ पर और वो इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरीके से धारा 370 को हटाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्यों को दो राज्यों में बांटने की बात कही गई है, दोनों राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, उस फैसले के बाद कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह जरूर है और तमाम लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। अपने सहयोगी मनोज राजपूत के साथ नासिर हुसैन, खबरें अभी तक, देहरादून।